थैंक यू सो मच फॉर बींग योर आई वेलकम यू माई नेम इज रोहित भोसले और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स एंड कीप दम अवे फॉर ट्वेंटी ईयर्स येस सो ये जो है ये मैंने बहुत uh, महीनों पहले इस बुक से पढ़ा था ये बुक जो है इस बुक का नाम है चेंज योर थाट्स चेंज योर लाइफ बाई डॉक्टर वेन डायर डॉक्टर वेन डायर को फादर ऑफ मोटिवेशन भी माना जाता था अभी वो नहीं है अभी कुछ दो सालों पहले ही उनका देहांत हो गया एंड ही वॉज एन अमेजिंग गाय इनकी बहुत सारी बुक्स मतलब इस बुक को पढ़ के तो अमेजिंग नो माइंड ऐसा शिफ्ट होता है ये लाओ सू की जो बुक है ताओ टी चिंग उसकी उसका एक ट्रांसलेशन है अमेजिंग ट्रांसलेशन तो इसमें कहते हैं इसमें इन्होंने कहीं पे तो लिखा है कि वो बीस सालों से पहले वो बहुत uh, दारू पिया करते थे बहुत शराब पिया करते थे हीज टू ड्रिंक अ लॉट वो भी उड़े थे सो <laughs> बीस so, फिर उन्होंने डिसाइड किया लाओ और आ, आ, उन्होंने दारू पीना ट्वेंटी ईयर्स तक छोड़ दिया मतलब कभी पिया ही नहीं बीस साल हो गए थे जब ये बुक लिख रहे थे तो ट्वेंटी ईयर्स वाह इज इन अमेजिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लो अगर आपने भी कोई एक ऐसी बैड हैबिट बताने की जरूरत नहीं है कौन सी बैड हैबिट बट राइट डाउन द टाइम और अगर आप कंफर्टेबल है बताने के लिए इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर व्हाट डिड यू कॉन्कर कितने दिनों से कितने महीनों से कितने हफ्तों से कितने सालों से आप वो जो बैड हैबिट है वो उसको आपने दूर रखा है इट कुड बी सिगरेट इट कुछ नो एंड यूर शॉर्ट अट इन सो इसमें क्या कहते हैं कि हाउ टू ब्रेक कीप है अवे फॉर ट्वेंटी इयर्स दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग यू नो जब जब हम ऐसा सोचते हैं कि अरे बीस सालों तक आई जब हम एक संकल्प करते हैं कि चलो मैं बीस सालों तक नहीं पीऊँगा दारू तो कितना बड़ा लगता है राइट right? वो एक ऐसा ऐसे पहाड़ की तरह लगता है जस्ट लुक्स लाइक ए माउंटेन एंड देन वेन डायर ने कुछ ऐसा किया डायर ने वो जो बीस सालों का जो गोल है वो बीस सालों के लिए नहीं सोचा वेन डायर ने सोचा कि मैं सिर्फ आज ही के दिन दारू नहीं पीऊंगा दैट वॉज हिज गोल सिर्फ आज के दिन मैं दारू नहीं पीऊंगा

ये 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 जो चीज है 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 ना ये मैंने बहुत पे भी भी सुनी है, Atomic Habits नाम की की एक बुक है, James Clear की, उसमें बताया 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 गया गया बताया गया है कि कि और में अगर आपसे कोई हैबिट नहीं बनती है और मैंने डेविड मैनेजर से भी सीखा है अगर आपसे कोई हैबिट नहीं कंसिस्टेंटली हो पाती है तो अपना जो बार है वो छोटा कर दीजिए अगर आपको रनिंग करना है तो क्या कीजिए सुबह उठ के सिर्फ अपने शूज को टाइप कीजिए अगर आप अगर आपसे रनिंग नहीं हो पाती है तो सुबह उठ के अपने सिर्फ शूज़ को टाई कीजिए टाई यू शूज़ एंड जस्ट दैट्स इट फॉर द डे डू इट फॉर सेवन डेज एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू विल फील लाइक ओ आई एम एनी टाइंग माय शूज़ लेट मी आल्सो रन अगर आपको कोई एक बुक पढ़नी है तो सिर्फ एक पेज पढ़िए एक पेज पढ़ना बहुत इजी हो जाता है हर रोज एक पेज पढ़ेंगे तो देखते ही देखते है कितने दिनों की बुक है कितने पेजेस की बुक है थ्री एटी थ्री नाइन्टी पेजेस की बुक है ऑलमोस्ट So, आप एक, साल में एक बुक तो पढ़ ही लेंगे राइट अगर वैसे एक साल में बहुत सारी बुक पढ़ लेंगे अगर आप रोज एक पेज पढ़ने लगेंगे क्यों क्योंकि कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा, चल ना मैं और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूं, और दो और तीन और पांच और दस और पंद्रह और बीस

गुड़ हैबिट्स अगर हम अपने आदतों के ग़ुलाम हैं तो क्यों ना हम अपने अच्छी आदतों के ग़ुलाम बने राइट right? सो so, अगर आप कोई बुरी आदत को बाहर निकालना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि कोई भी बुरी आदत बाहर नहीं निकलती है जब एक ऐसी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जब कंडीशंस क्रिएट होती हैं उसकी वजह से वो बुरी आदतें वापस आ सकती हैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है एक्सपोजर कम करना है एक्सपो जिस भी चीज़ को आपको कम करना है अपनी लाइफ से उसको हटा दीजिए या फिर एक्सपोजर कम कर दीजिए मतलब वो आपको दिखनी नहीं चाहिए राइट right? दूसरी चीज़ जब आप किसी बुरी आदत को हटाते हैं तो उसको एक अच्छी आदत के साथ जोड़िए एक अच्छी आदत जोड़ देंगे तो आपकी जो अच्छी आदत है वो और स्ट्रांग हो जाएगी योर न्यू हैबिट विल बिकम मोर स्ट्रांगर एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू फॉर्म न्यू हैबिट्स एंड ब्रेक एंड लूजन द बॉन्ड्स ऑफ द ओल्ड है वो बैड हैबिट्स के वो धीरे धीरे ढीले होते जाएंगे अगर आपको नए हैबिट्स बनानी है और आपको बीस सालों तक रखने हैं या फिर पुरानी आदतें जो आदतें आपको सर्व नहीं करनी है बैड हैबिट्स All you have to do is focus on a single day of not doing that bad habit. For example, Vindar ka ek example hai just recapping it for you that Urunone B sadutak darune pi kessine p because he focused on not drinking for one day. And the next day he again focused on that day. Right? So let me know in the comment section below. By the way, if you are someone who is curious about making new habits who is fed up and abijap new year raha hai to you might have a new resolution i want to start this new habit of working out i want to start this new habit of reading books i want to start this new habit of learning a new skill but i don't know why i'm not consistent if you're someone like that feel free to reach out to me because i have three books for you three books that have helped me and three

Or write in the comment section below share the secret sauce rohit share or write down secret sauce secret sauce right so i'll share with you the details that's all for today's live thank you so much for tuning in this is rohit Bosley signing off and perhaps i should be doing lives much earlier in the day because oh because i can have more engagement then right it is like 12 20 am but I am happy for myself that I am not breaking this commitment of doing a video every day doing a live video every day right that's all have a great time and i will see you tomorrow